तो यहाँ पे सेट थ्री है जिसका मैं फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ ग्रामर पोर्शन का। नमस्कार बच्चों, जो आज इंग्लिश में पूछा गया है क्लास टेंथ सीबीएसई का सेट थ्री लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, उसके ग्रामर पोर्शन का मैं यहाँ फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने वाला हूँ। नमस्कार बच्चों, मैं हूँ राहुल सर और आप देख रहे हैं CWEH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए और नेक्स्ट एग्जामिनेशन के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन भी आप लोग के लिए ला के देता रहूँ आप लोगों तक। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम ग्रामर पोर्शन में सॉल्यूशन करेंगे। जो जंबल वर्ड्स था यानी कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट था उसका यहाँ पे मैंने कोडिंग कर रखा है, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो फर्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ, देयर वॉज अ टाइम व्हेन, फाइव के बाद सिक्स, पेशेंट कंसिडर्ड डॉक्टर्स एज गॉड्स, ठीक है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, द डॉक्टर वॉज पार्ट ऑफ द पेशेंट्स फैमिली, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, नाउ डेज पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर, ठीक है। नाउ डेज पेशेंट्स वेट फॉर द डॉक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इवन टूडे पेशेंट्स हैव ट्रस्ट इन देयर डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया। अगर आपको लगता है कि इसमें किसी का अरेंजमेंट दूसरे तरीके से हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, इरर और करेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए, सम पॉलिटिकल थिंकर्स, तो यहाँ पे कुछ लोगों की बात करें तो थिंक्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा थिंक, ठीक है। तो थिंक्स के बदले यहाँ पे जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा थिंक। सम पॉलिटिकल थिंकर्स थिंक्स डैट लिबर्टी एंड इक्वलिटी कुड नॉट गो टुगेदर का होगा कांट गो, क्योंकि जब भी चीज़ें प्रेजेंट में चलती हैं, जब भी चीज़ें प्रेजेंट में चलती है तो ये कुड नहीं लेके लेगा, ये कैन, ठीक है। तो कुड नॉट का यहाँ पे होगा कैन नॉट, ठीक है। टुगेदर दे थिंक डैट लिबर्टी इम्प्लाइड, अब जब प्रेजेंट चल रहा था तो यहाँ पे इम्प्लाइड कैसे होगा, यहाँ पे प्रेजेंट आना चाहिए, तो इम्प्लाइड का दे थिंक डैट लिबर्टी इम्प्लाइड का हो जाएगा इम्प्लाइज द फ्रीडम टू डू वाट वन में लाइक टू डूइंग, तो यहाँ पे डूइंग नहीं होगा, टू के बाद डूइंग नहीं आएगा, जब भी यहाँ पे आएगा तो टू प्लस बी वन, तो मे लाइक टू डू, ठीक है। दे थिंक डैट लिबर्टी इम्प्लाइज द फ्रीडम टू डू वाट वन मे लाइक टू डू, ठीक है। तो डूइंग के बदले यहाँ पे डू होगा। चलिए अब ऊपर की ओर चलते हैं, यहाँ भी अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी चीज़ आ सकती है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, यहाँ पे देख सकते हैं, 26 जनवरी इज अ वेरी स्पेशल डे ऑफ इंडिया, इट इज़ इन दिस डे डैट इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन 1950, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। इसमें भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई दूसरा ऑप्शन हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, वहाँ पे आपको आंसर्स भी देखने को अलग अलग तरीके का मिल सकता है। चलिए तो यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट में आपको किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए वो आप आ जाइए, आपको पैसेज का सोल्यूशन चाहिए या ग्रामर पोर्शन में किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए वो आप आ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दें। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।